की लत और सूदखोरी से परेशान एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छतरपुर शहर के मुन्ना पान भंडार के मालिक मुन्ना गुप्ता के 32 वर्षीय इकलौते पुत्र विकास गुप्ता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक विकास कोरियर चलाता था, जिसे जुआ और क्रिकेट के सट्टे की लत लगी हुई थी। पूर्व में भी विकास के पिता ने अपने बेटे के 50 लाख रुपए का कर्जा प्रॉपर्टी बेचकर चुकाया था। बावजूद इसके उसकी लत नहीं गई और उसने फिर से अपने ऊपर भारी कर्जा कर लिया। मरने के पूर्व विकास सुसाइड नोट छोड़कर गया है, जिसमें उसने मौत की वजह बताई है। कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं जो उसे परेशान करते थे, जिनके द्वारा परेशान किए जाने और पैसे न देने पर जान से खत्म कर देने की धमकी देने की बात भी कही गई है। वहीं रविवार की शाम अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हम पीएम करेंगे। कौन कह रहा था? डॉक्टर साहब का कहना है, पुलिस वालों ने उनसे बोला है। कैसा कहना है? कौन डॉक्टर थे? डॉक्टर बाथम यादव जी पुलिस वाले हैं थे। उन्होंने उनसे बात हुई, सुबह 8 बजे से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ पे कागज तैयार करवाने के लिए। 10:30 बज रहे हैं, कागज तैयार हुए, जाम लगाया हम लोगों ने। फिर चौकी से फोन लगाया गया कि अभी 2 तैयार हो गए, तीसरा आपके कहने पे तीसरा और तैयार अभी हो रहा है। और आपका कहना है कि जब 3 PM इकट्ठे हो जाएंगे तो कागज, उसके बाद हम PM करेंगे। विकास गुप्ता ने आत्महत्या की, हैरान कर रहे थे ये लोग लेन देन वाले काफ़ी दिन से। कौन कौन परेशान कर रहा थे? रवि गुप्ता हैं और हर्षल गुप्ता हैं, उनके पास पैसा नहीं है, उन्होंने अपनी जान ली। तो क्या ये दबाव बना रहे थे? दबाव बना रहे थे ये लोग। फिर उन्होंने क्या कदम उठाया, किस तरह से आत्महत्या की? जबरदस्ती की, पैसा 2 महीने जान के मार रही है। तो फिर क्या खुदकुशी फांसी लगा के कर ली? कैसी कर ली? फांसी लगा के हत्या की। और सुसाइड नोट भी छोड़ गए? सुसाइड नोट भी तो छोड़ गए। क्या लिखा, क्या दसा? उसमें यही लिखा है इन दोनों आदमी का नाम, रवि गुप्ता और हर्षल गुप्ता और अन्य लोग। ये दिनांक 10/2/19 की घटना है, कल की घटना है ये। इसमें एक व्यक्ति ने सुसाइड की है, सुसाइड नोट उसके जेब से मिला है, वो जब्त किया गया है, उसके मोबाइल भी जब्त किया गया है। विभिन्न मर्ग कायम करके जांच की जा रही है, विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।